आज हम बनाएंगे ब्रेड काजा जो बच्चों को काफी पसंद आता है खाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 ब्रेड स्लाइस और यहाँ पर हम पहले लेंगे 1 ब्रेड स्लाइस और इसे कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से कट करना है, इसी तरीके से हम सारे को कट कर लेंगे। अब हमने सारे ब्रेड स्लाइस को कट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कढ़ाई और उसमें ऐड किए हुए रिफाइंड ऑयल और फ्लेम को हाई कर देंगे। जब तेल पूरे अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और 1 ब्रेड स्लाइस को डाल देना है और फ्लेम में तब तक रहने देना है जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। कुछ देर के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो पलट देना है और दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी पलटना है। तो थोड़ी देर के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं हमारा कैसा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा दूसरे भी साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे ब्रेड को करना है। अब यहाँ पर हम इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप चीनी, हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल निकाल लिए थे, और आधा कप पानी ऐड कर रहे हैं और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है। एक बार इसे अच्छे तरीके से चला लेना है और चीनी को पूरे अच्छे तरीके से घुलने देना है। थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे ताकि यहाँ पर चेक करते रहेंगे कि हमारा चीनी अच्छे तरीके से घुला है कि नहीं। अब यहाँ पर हम एक छोटी इलायची ऐड कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पर एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब इसे एक बार चला लेना है और 2 मिनट तक यहाँ फ्लेम में रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से चाशनी तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तब तक रहने देना है कढ़ाई में चाशनी को जब पूरे अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए चाशनी। अब हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारा चाशनी काफ़ी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ब्रेड स्लाइस जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब यहाँ पर हम 2 ही ब्रेड स्लाइस को ऐड कर रहे हैं। पहला ब्रेड स्लाइस को यहाँ पर डाल देंगे, 1 मिनट तक एक साइड ही रहने देना है और 1 मिनट के बाद इसे पलट देंगे ताकि चाशनी पूरी अच्छे तरीके से ले सके ब्रेड में। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दूसरा ब्रेड स्लाइस जो कि हमने कट किए हुए थे, इसे भी 1 मिनट तक एक साइड रहने देना है, फिर पलट देना है और 1 मिनट तक दूसरे साइड भी रहने देना है। बिल्कुल यहाँ पर ब्रेड क्रिस्पी लगेगा खाने में, यहाँ पर बिल्कुल नर्म नहीं लगेगा। अगर आप गर्म चाशनी में डालेंगे तो बिल्कुल नर्म सा हो जाएगा ब्रेड, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे को तैयार करना है। ये दिखने में लग रहा है बिल्कुल नरम सा, लेकिन खाने में जो टेस्ट आएगा बिल्कुल क्रिस्पी सा आएगा। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें।